अगली खबर यूपी के बरेली जिले से है, जहां बांध का कार्य बाधित होने पर किसान आक्रोशित हैं। जी हां, खबर है यूपी के बरेली जिले के ग्राम खमरिया से। बांध के लिए अनुमति नहीं देने पर केंद्रीय कृषि मंत्री से संबंधित ज्ञापन क्षुब्ध किसानों ने एसडीएम बहेड़ी को सौंपा है। जी हां, ये खबर है खमरिया से। बांध के निर्माण के लिए सरकार द्वारा अनुमति दी जा चुकी है, पर संबंधित परगना अधिकारी द्वारा रिपोर्ट नहीं देने के कारण बांध निर्माण अधर में लटका हुआ है। दरअसल बहेड़ी तहसील के ग्राम खमरिया में बांध को पक्का बनवाने के लिए किसान काफी समय से सरकार से मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन जब पक्के बांध निर्माण के लिए सरकार की ओर से अनुमति मिली और सरकार की ओर से पक्के बांध निर्माण हेतु बजट भी जारी हो चुका है, लेकिन बहेड़ी तहसील के परगना अधिकारी की ओर से रिपोर्ट नहीं देने के कारण बांध निर्माण शुरू भी नहीं हो सका, जिसके कारण किसानों में काफी आक्रोश है। बहेड़ी से संवाददाता रजनीश कुमार की यह रिपोर्ट। आप ही आ जाए उसमें सर, आप ही आ जाए, आप ही कहीं रोहन करते हैं। हमने आमंत्रित है, हम लोगों की ओर से बेस बनाया हुआ है, मानक के अनुसार झंडा बना हुआ है, खादी ग्रामोद्योग। हाँ हाँ, बस नहीं, हम चाहते हैं कि कोई कोई बड़ा आदमी करे, या आप करें प्रशासन की तरफ से, या माननीय मंत्री जी करें, या माननीय विधायक जी करें, हम लोग तो करेंगे। हमने तो आज ही झंडा रोहन कर दिया। हाँ हाँ, उनका उन्हीं के लिए आपके माध्यम से ही भेज रहे हैं। अपने निजी ढंग से बनाया नहीं, सब लोगों ने चंदा करके बनाया, कार सेवा से, कार सेवा से बना लोगों ने, जिसने जितना दूर दूर के लोगों ने भी सहयोग किया था उसमें, तो उससे हमारी सिंचाई हो गई। अब हमारा बांध टूटा पड़ा है और सरकार कहती है 57 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं और वो रिलीज नहीं होंगे, यूटिलाइज नहीं होंगे, तो बजट लैप्स हो जाता है 31 मार्च को, तो वो 57 करोड़ हमारे डूब जाएंगे। हम चाहते हैं काम तत्काल शुरू कर दिया जाए और जिसने भी स्वीकृत कराया वो आके वहाँ पर कार्यक्रम शुरू कराए और वो झंडारोहण करे, हम सब लोग वहाँ। अभी आप उपजिलाधिकारी महोदय से बात कर रहे थे कि आपका पानी जो है वो तहसील मीरगंज जा रहा है। हाँ, तहसील बहेड़ी का पानी चोरी से, मैं इसको चोरी ही कहूँगा, क्योंकि जो चाचेट, जब एक दफा बल्ली सिस्टम में पानी आता है तो बल्ली का पानी, बल्ली नहर का पानी लगने के बाद बल्ली गाँव के पास उसकी टेल कुल्ली में जाती है, तो कुल्ली में फालतू पानी चला जाता है, तो बल्ली का गला घोटा हुआ है, बल्ली बांध, बल्ली नहर का, और वो पानी सारे का सारा कुल्ली में डाल के और वो सब उसमें मीरगंज तहसील में। ये जो किसान एकता मोर्चा के उसमें ज्ञापन देने आए, आप इसमें कौन से पदाधिकारी? नहीं नहीं, हम एकता मोर्चा तो लोगों ने अपनी खुशी से, हम लोग तो किसानों की हैसियत से आए, कोई किसी ने एकता मोर्चा लगा लिया, किसी ने कुछ और लगा लिया, किसी ने आज ज्ञापन, पार्टी का कोई नहीं, यहाँ कोई पार्टी नहीं है, और किसानों में भी कोई किसान यूनियन का होगा तो उसकी आस्था है, हमारी तरफ से तो अपनी अपनी आस्था के हिसाब से, हमने कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। और मुख्य मांग आपकी जो है वो आपका जो बांध है वो बन जाए 57 करोड़। मुख्य मांग हमारी एक तो ये है कि फौरन, तो जो काम कर सकता है तहसील प्रशासन, वो ये है कि हमारे पानी की चोरी बंद करा दे। तहसील प्रशासन से आपको क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा हम देखेंगे तो वो चोरी बंद करा देंगे, तो हमारी एक तो राहत हमें ये मिल जाएगी कि हमें इस फसल के लिए, गेहूँ की फसल के लिए पानी मिल जाएगा, और अगर वो उसके बाद हम चाहते हैं कि 57 करोड़।